गधे बैठे हैं, इनको इतना सा नहीं पता कि जो जीव मुख से बोल नहीं सकता वो अपनी पीड़ा बता नहीं सकता, और ये दोनों के दोनों इसके ऊपर बैठ गए। दोनों उतरे, दोनों को गुस्सा आया, दोनों ने क्या किया, गधे के दोनों पांव को बांधा, बीच में से एक लकड़ी लगाई और दोनों कंधे पे लेके उसे उल्टा लटकाकर शुरू हो गए। पांचवें गांव के पड़ाव में जैसे वो लोग निकले तो लोगों ने फिर से ताने मारने शुरू किए, इनके जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। जब मेले में गए थे और गधाई लेकर आना था तो फिर ये लंगड़ा गधा लाने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, जीवन में होता यूं ही है कि लोगों को सिर्फ ये पता नहीं होता कि मुझे अपने आप की सुननी चाहिए, लेकिन लोगों की सुनते 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 उन लोगों ने क्या किया, उस गधे को कुएं में डाल दिया। दोस्तों, क्या गधा लंगड़ा था? नहीं, लेकिन लोगों ने उसे लंगड़ा बना दिया, हमारी सोच ने उसे लंगड़ा बना दिया। जब वो छठे गांव से निकले तो उन्होंने अपना वृतांत एक बुजुर्ग व्यक्ति को सुनाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि लोगों का तो इसी तरीके से कहना था, लेकिन आपका सह विवेक कहां गया था? आपने अपना आत्म मंथन क्यों नहीं किया? आपने अपना सेल्फ डिसीजन क्यों नहीं लिया? दोस्तों, जिस दिन आप अपना सेल्फ डिसीजन लोगे, लोगों की सुनना बंद करोगे, लोगों का तो काम ही है ये कहना, और जिंदगी भर कहते रहेंगे, सिर्फ अपनी सुनो, अपने मार्गदर्शक की सुनो और उस परमात्मा पिता परमेश्वर की सुनो, उसके अलावा आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। दुनिया का हर वो काम अच्छा है जिसमें आपकी आत्मशक्ति और ईश्वरीय शक्ति दोनों आपको उस काम करने के लिए कह दे, वो जीवन का सबसे अद्भुत काम है। ऐसी मैं स्टोरी आप लोगों के पास लेकर आता रहूंगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मुझसे जुड़े रहे, ऐसा मेरा